हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एल्केमी ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर सेकंड, न्यूट्रिशन एनिमल। देखिएगा, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर जो चैप्टर नंबर फर्स्ट न्यूट्रिशन प्लांट डिस्कस करा था, दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस किए थे। तो प्लांट्स के अंदर मैंने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आपने बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स, और हीटोट्रॉपिक के अंदर डिपेंड्स ऑन अदर होता है। तो यहाँ पे अपन न्यूट्रिशन एनिमल्स की बात करते हैं, तो एनिमल्स जो है मोस्टली ऑल एनिमल्स आर हीटरोट्रॉप्स, ऑल एनिमल्स आर हीटरोट्रॉप्स होता है, हीटरोट्रॉप्स यानी जितने भी एनिमल्स होते हैं वो हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे। कौन सा टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो डिपेंड्स ऑन अदर, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, तो ये जो है ऑब्टेन फूड फ्रॉम, ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिज्म। अब मैनली जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर, अगर अदर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मैनली जो है एक तो प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, या तो एनिमल्स को फूड कहां से मिलेगा, या तो प्लांट से और या फिर मिलेगा एनिमल्स से, दो चीजें ही हैं इस तरह। जैसे जो हर्बीवोरस एनिमल्स होंगे इसके अंदर, तो हर्बीवोरस जो होंगे वो तो अपना फूड जो है वो प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, जैसे डियर का ये जो हो गए, और जो कार्निवोरस है वो एनिमल से ऑब्टेन करेंगे। कार्निवोरस को फूड कहां से मिलेगा, ठीक है। कार्निवोरस को जो है वो एनिमल से ऑब्टेन होता है, और जो ओमनिवोरस है वो प्लांट और एनिमल दोनों से ऑब्टेन कर लेते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे एक चीज अपने को समझ में आ रही है कि न्यूट्रिशन इन एनिमल वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, या फिर जितने भी एनिमल्स होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि उनको जो है फूड के लिए डिपेंड्स होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे, या फिर जो है इनको रेडीमेड फूड ऑब्टेन करते हैं। कैसा फूड ऑब्टेन करते हैं? रेडीमेड फूड ऑब्टेन करते हैं, बना बनाया फूड होता है। तो ये फूड रेडीमेड फॉर्म में कौन प्रोवाइड करता है? या तो प्लांट्स करते हैं, क्योंकि प्लांट तो फूड ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और एनिमल्स के अंदर जो है फूड प्लांट से ही आता है इनडायरेक्टली। तो कुल मिला के अपन अगर बात करें तो ऑल एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। प्लांट्स पे ही डिपेंड होते हैं जितने भी एनिमल्स हैं। कोई डायरेक्टली डायरेक्ट प्लांट्स को खाता था भी वर्स है, नहीं तो एनिमल्स को खाता, लेकिन एनिमल्स को तो एनर्जी जो है वो प्लांट से ही ऑब्टेन होती है। तो यहाँ पे आपको जो है न्यूट्रिशन एनिमल्स के अंदर डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे आपको बता रहा था इसके अंदर। तो देखिएगा अपन इसके अंदर टॉपिक है आपका इसके अंदर स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन प्रोसेस के अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं इसके अंदर ये बताया इसके अंदर। तो अपन यहाँ पे मेनली जो है ह्यूमन बींग के बारे में, और कुछ और भी जो है एनिमल्स हैं उनके अंदर अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो मैनली जो इसके अंदर जो स्टेप्स की बात करें इसके अंदर, तो ये फाइव स्टेप अपन इसके अंदर होते हैं इसके अंदर। पहला स्टेप है इसके अंदर इंजेशन, ठीक है। दूसरा स्टेप इसके अंदर आएगा स्टूडेंट्स इसके अंदर डाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा इसके अंदर एब्जॉर्प्शन। फोर्थ स्टेप आ जाएगा इसके अंदर असिमिलेशन। और फिफ्थ स्टेप आएगा इसके अंदर इजेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो दीज आर द फाइव स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंदर बात करें तो, ठीक है। एक और चीज है, एनिमल्स जो होते हैं वो होलोजोइक होते हैं। होलोजोइक का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? यानी ये जो एनिमल्स होते हैं वो फूड का डाइजेशन जो है इनसाइड द बॉडी करते हैं, इसलिए इसको होलोजोइक भी बोलते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं।
तो वापस आ जाते हैं स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट स्टेप आता है इंजेशन। देखिए स्टूडेंट, इंजेशन यानी इनटेक ऑफ फूड होता है, इनटेक ऑफ फूड यानी फूड का जो है वो इनटेक करना। अलग अलग एलिमेंट्स जो होते हैं वो फूड को इनटेक करने के लिए अलग अलग मेथड होता है। जैसे अपन लोग जो है वो हाथ से फूड को अंदर लेते हैं माउथ के अंदर रखकर, एलिफेंट है वो अपने ट्रंक से फूड को अपने माउथ के अंदर रखता है, कोई मॉस्किटो होता है उसके अंदर सक करता है फूड को, या बटरफ्लाई है वो नेक्टर को सक करती है, हाउस फ्लाई अपने के अंदर भी जो है माउथ तक से वो सक करती है। तो अलग अलग मोड ऑफ इंजेक्शन हो सकते हैं डिफरेंट एनिमल्स के अंदर। तो मेनली इंजेक्शन का मीनिंग होता है इनटेक ऑफ द फूड, ठीक है, यानी फूड को जो है इनसाइड द बॉडी एंटर करना, क्योंकि होलोजोइक न्यूट्रिशन है तो इनसाइड द बॉडी जाएगा फूड, तभी इसका जो है आगे का स्टेप डाइजेशन कंप्लीट होगा। तो ये तो हो गया इंजेक्शन। सेकंड स्टेप आता है इसके स्टूडेंट डाइजेशन। देखिए डाइजेशन का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। एक्चुअली देखिए अपन जो फूड यूज करते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस होता है, तो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को जो है अपना बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाएगी, तो ये कॉम्प्लेक्स फूड जो है सब्सटेंस इनको अपना जो बॉडी क्या करती है डाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू जो है वो कन्वर्ट करती है सिंपल फूड सब्सटेंस। तो ये डाइजेशन जो प्रोसेस होगा इसके अंदर कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है, जैसे कोई लॉन्ग चेन है कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या फैट, ठीक है, तो इसको एंजाइम्स या के थ्रू या केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू ब्रेक कर दिया जाएगा स्मॉल चेन्स के अंदर, ठीक है। तो ये जो ब्रेक हो जाएगा तो इसको अपन बोलेंगे सिंपल सब्सटेंस, ठीक है। तो ये सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है इसी को अपन बोलते हैं डाइजेशन। ओके स्टूडेंट, तो डाइजेशन के अंदर होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड। देन आता है इसके अंदर एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, जो सिंपल फूड सब्सटेंस बने हैं इसके अंदर, तो वो सिंपल सब्सटेंस का जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर या फिर बॉडी के अंदर जो है वो एंटर होते हैं अपने ब्लड के अंदर एंटर। ये सब सिंपल फूड सब्सटेंसेस होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग के अंदर इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर एब्जॉर्ब होकर जो है ब्लड के अंदर जाते हैं, ब्लड से जो है पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, यानी एब्जॉर्ब होकर यूजफुल सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन होता है इसके अंदर। फोर्थ स्टेप आता है स्टूडेंट असिमिलेशन। देखिए जो असिमिलेशन के अंदर क्या होता है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, न्यू कंपाउंड्स बनते हैं, न्यू कंपाउंड्स फॉर्मेशन होता है, कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स बनते हैं इसके अंदर, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं इसके अंदर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो असिमिलेशन के अंदर जैसे मान लीजिएगा अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन हुआ है इंटेस्टाइन के अंदर, तो अमीनो एसिड से न्यू टाइप का प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स बनते हैं इसके अंदर, या प्रोटीन बनता है उसको अपन असिमिलेशन बोलते हैं। या फिर जैसे ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हुआ उसका एनर्जी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन में यूज होता है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनती है, तो ये जो नए सब्सटेंस है एटीपी का फॉर्मेशन हुआ वो असिमिलेशन के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, न्यू मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं स्टूडेंट असिमिलेशन। नेक्स्ट स्टेप आता है इसके अंदर फिफ्थ स्टेप है इजेशन, ठीक है स्टूडेंट। इसके अंदर इजेशन का मीनिंग क्या है, रिमूवल ऑफ द अनवांटेड सब्सटेंस है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड यानी जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता या यूजफुल नहीं है उसको बॉडी क्या करेगी, अपनी बॉडी से रिमूव करेगी, ठीक है। तो ये जो रिमूव करने की जो प्रोसेस है इसी को अपन बोलते हैं इजेशन, ठीक है। तो ये फाइव स्टेप्स हो जाते हैं न्यूट्रिशन के अंदर एनिमल्स के अंदर, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और इजेशन। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है इसके अंदर मोड्स ऑफ प्रोक्योरिंग फूड, यानी कैसे जो है फूड को जो है इंटेक करते हैं इसके अंदर, ये चीज इसके अंदर आपको बता रखा है। जैसे इसके अंदर बताया कि ह्यूमन बींग जो है वो अपने हैंड्स का यूज करके जो है फूड को इंटेक करता है। रूमिनेट्स की बात करें इसके अंदर, जैसे काउज है, हॉर्स है, ये पिक फूड डायरेक्टली माउथ डायरेक्ट मुंह से उठाते हैं, अपने हाथ से उठा के मुंह के अंदर रखते हैं, और ये जो रूमिनेट्स या फिर गाय भैंस होती है वो डायरेक्ट मुंह से पिक करते हैं। पैरामेशियम जो होते हैं इनके अंदर हेयर लाइन स्ट्रक्चर होती है सीलिया, जिसके थ्रू ये ऑरल ग्रुप के अंदर फूड को एंटर करवाते हैं, ठीक है। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स के अंदर एक सकिंग के लिए इंसेक्ट्स है, बटरफ्लाई है, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, बीस, इनके अंदर क्या होता है इसके अंदर फीडिंग ट्यूब होती है, ठीक है, इसको प्रोबोसिस बोलते हैं। ये फीडिंग ट्यूब से अपना फूड को सक करते हैं, लिक्विड फूड को सक करते हैं। तो ये इसके अंदर था कि कैसे इंजेक्शन करते हैं वो अपने बताते हैं, इनटेक ऑफ फूड का जो है इसके अंदर मोड ऑफ जो है प्रोक्योरिंग फूड का मतलब ये कैसे फूड को इनटेक करते हैं ये चीज बताया इसके अंदर। तो ये टॉपिक हमने डिस्कस करा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग के अंदर कैसे न्यूट्रिशन होता है।
ओके थैंक यू स्टूडेंट।